नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक बुक रिव्यू में एंड ऑब्वियसली मैं आज आपको इस बुक के बारे में सब कुछ बताऊंगा, पर पहले आप इसकी सब कुछ जान लीजिए। तो ये राधा कृष्णन पिल्लाई की लिखी गई एक बुक है एंड ऑब्वियसली चाणक्य इन डेली लाइफ इस बुक का नेम है एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आर दिए गए हैं जिसका मीनिंग है रूपा पब्लिकेशन। तो ये बुक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसके फ्रंट पेज में आप पढ़ सकते हैं चाणक्य इन डेली लाइफ, इट इज़ अ ग्रेट कंटेंट ऑफ अ बुक, आई मीन फॉर अ बुक। एंड ऑब्वियसली इसकी जो पहले की वर्जन थी वो थोड़ी सी हार्ड कवर वाली वर्जन उसको हटाया गया है एंड ऑब्वियसली ये पेपरबैक वाला वर्जन आपको मिल जाती है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं पर भी। तो मुझे ये फर्स्ट इम्प्रेशन में बहुत ही अच्छी लगी। मैंने इसको परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, तो ये टोटली न्यू नया आया था एंड ऑब्वियसली ये आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। एंड इस बुक को आप किस किस टाइप में यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको आज बता दूंगी। तो पहले हम जान लेंगे कि ये चाणक्य इन डेली लाइफ ये है क्या। दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू दोज हु स्ट्रगल टू स्ट्राइक ए बैलेंस इन देयर लाइव्स एंड द ग्रेट आचार्य चाणक्य हु मेक्स इट पॉसिबल। मतलब जो लोग इस समाज में होते हैं एंड जो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ के साथ स्ट्रगल करते हैं उसके लिए ये बुक प्रेफर कर रहे हैं चाणक्य को। मतलब जो हमारी अर्थशास्त्र की गुरु या फिर पंडित था वो उसकी भाषाएं में जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ चेंज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सिंपलिस्टिक एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। एंड आई होप आप लोगों को ये बुक ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर पढ़िए। एंड ऑब्वियसली ये बुक मैंने परचेस किया था अबाउट 250 अराउंड, एग्जैक्टली तो मुझे प्राइस पता नहीं था पर 250 अराउंड मैंने परचेस किया था। तो मैं इसका प्राइस आपको दिखा दूंगी, आप देख लीजिए। इसकी प्राइस है अराउंड 295, मतलब 300 रुपये से 5 रुपये कम। इन दिस प्राइस रेंज यू कैन गेट प्रीमियम 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 मतलब मच प्रीमियम बुक फॉर एनी डेली लाइफ। मतलब एनी ये बुक उन लोगों के लिए है जो कि बहुत स्ट्रगल करते हैं एंड ऑब्वियसली मैं कुछ आपको बता दूँ इस बुक के बारे में। यहाँ पर जो कॉन्टेंट्स है वो इंट्रोडक्शन है पहले 11th फेज में, मैं आज की डेट पर बोल रही हूँ, ये इन फ्यूचर क्या होगा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। एंड आई थिंक ये मेरा सेकंड या थर्ड एडिशन है। आपको अगर आप ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं या फिर बहुत साल बाद देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर इसका एडिशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड ये बुक और भी थोड़ी थोड़ी करके करेक्शन होता जाएगा। सो अब तक जिस एडिशन पर मैं आया हूँ, इस एडिशन पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेनली तीन कंटेंट्स है। 1 पर्सनल लाइफ, 2 प्रोफेशनल लाइफ, 3 फैमिली लाइफ। तो ये तीन कंटेंट्स था एंड पर्सनल लाइफ में आपको करीब 23 सब कंटेंट्स मिल जाएगी, जो कि पहले में है वेकिंग अप, जहाँ पर आपको सुबह कितने टाइम उठना है एंड ऑब्वियसली कितने बजे उठना है, कितने टाइम सोना है, सब कुछ बता दिए हैं। एंड उसके बाद म्यूज़िक फॉर द डे, आपको अगर एक अच्छी लाइफ बितानी है, अच्छी डे बितानी है तो उसके लिए कौन सी म्यूज़िक आपको ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, वो भी बताया गया है। एंड उसके बाद 3rd पॉइंट पे आती है टाइम फॉर थिंकिंग। आप जब कुछ भी थिंकिंग करोगे उस टाइम पर आपको क्या करना है एंड किस तरीके से आपको थिंकिंग करनी है वो भी यहाँ पर बताया गया है इन 3rd सब कॉन्टेंट। उसके बाद दिया गया है हेल्थ, उस डे का हेल्थ कैसा रहेगा, आपका फिटनेस कैसा होगा एंड ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सब कुछ मतलब एग्जैक्टली कोई हेल्थ वाला ये बुक नहीं है, पर आपको ये करीब 90-95% आपको हेल्थ की एडुकेशन आपको कराई देगी। ओके, सो उसके बाद 5th सब डिविजन पर, 5th सब कॉन्टेंट पर आती है डेली रिचुअल्स। रिचुअल का मतलब रीति नीति होता है
बंगाली में, इन बंगाली लैंग्वेज रीति नीति होता है, तो ये आपको फिफ्थ पॉइंट पर मिल जाएगी। मतलब जैसे कि समाज की रीति नीति है, हमारी रीति नीति है, एंड ओबियसली इन फ्यूचर जो भी रीति नीति आएगी एंड चली जाएगी वो सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। एंड उसके बाद सिक्स पर है एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी को भी ध्यान में रखना है क्योंकि अब हमारी समाज बहुत ही हाई एडुकेटेड हो गया है, पर फिर भी वो लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास तो ज़रूर करते ही हैं। आपको उसके बाद बताई गई है कि अफ्टरनून कैसे जाएगी, आपकी पावर ऑफ नैप मतलब आपकी घूम कैसे ठीक होगी, मतलब नींद कैसे ठीक ठाक होगी, एंड ओबियसली वो वैल्यू फॉर हेल्थ होना चाहिए। ऐसा वैसा कोई नींद हो जाएगा तो मतलब अजीब हो जाएगी। सो वैल्यू फॉर हेल्थ इज़ द गुड नैप फॉर एवरी वन आई थिंक ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली चाणक्य ऑल्सो थॉट बिट्स। एंड उसके बाद आपको योर स्वधर्म मतलब आपकी धर्म के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, सब कुछ बताया गया है। एंड ऑब्वियसली समथिंग इज न्यू, आपको ये बुक खरीदना चाहिए। मैं सिर्फ आपको डेली बेसिस में क्या क्या यूसेज है ये बताया हूँ। एंड ऑब्वियसली आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी कुछ भी हो मतलब ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्डर, मैरिज ए चॉइस, एंड उसके बाद एजुकेशन, चिल्ड्रेन, फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली प्रेयर, सिंगल चाइल्ड, सब कुछ के बारे में बताई गई है। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल फिलोसॉफी एंड पर्सनल लाइफ के लिए साइलेंट टाइम, एंड उसके बाद आई ऑन अकाउंट्स, मीटिंग पीपल, एंड ऑब्वियसली आपकी कुछ अगर पर्सनल बिजनेस होगी तो उसके बारे में भी यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। अगर आप एक बॉस हो, अगर आप कुछ भी हो, मतलब अगर आप किसी भी बुक को पढ़ना चाहते हो, एंड ऑब्वियसली वो डेली बेसिस के लिए है, एंड ऑब्वियसली आपको वो हेल्प करेगी इन डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में, या फिर आपकी चिल्ड्रन की डेली लाइफ में, या फिर आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर की डेली लाइफ में। तो आपको ये बुक ज़रूर खरीद लेना चाहिए। एंड ओबियसली मैं जानती हूँ मेरा आज यहाँ पर थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, सो थोड़ी सी क्षमा कर दीजिए प्लीज़, मैं आपको समझ ज़रूर चाहूँगी। एंड ओबियसली ये बुक को खरीदिए, पढ़िए एंड एन्जॉय करिए, एंड ओबियसली सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे जाकर, यहाँ पर नहीं, नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लेट्स शेयर एंड बाय बाय।